कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इंडियन सागा स्टार अवार्ड में पहली बार अवार्ड मिल रहा है एक एक्टर के साथ से सामने से, तो आपको कैसा लग रहा है और इतनी कम उम्र में ये अवार्ड लेकर आपको कैसा मतलब क्या फील क्या हो रहा है? एक बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इस उम्र में लोग एक्चुअली गेट टू प्ले बट आई एम गेटिंग एन अवार्ड, एंड इस उम्र में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना, कुछ अलग करना, कुछ हटके करना, समथिंग डिफरेंट दैन द एंटायर एज ग्रुप एंड इवन मोर. एक्चुअली मैंने कुछ अलग किया है राधर दैन नॉट इन माई एज बट यूनिवर्सली, एंड एक नेक्स्ट लेवल फैंटास्टिक एक्सपीरियंस हुआ मुझे आज. एंड टू नाइट जो ये इवेंट हुआ फैंटास्टिकली कोऑर्डिनेटेड एंड जो इतना अच्छा अरेंज हुआ, इट वॉज फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. ओके, तो जो आपको जो अवार्ड मिला है ये अवार्ड का क्रेडिट किसका देना चाहूँगी? इसका क्रेडिट सबसे पहले मैं देना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को, उसके बाद मेरे टीचर्स को, एंड ऑफ कोर्स आप सभी ऑडियंस को. इतना लव एंड सपोर्ट उनके बिना नहीं हो पाता ये. सो अभी आपको ये अवार्ड मिला है, आगे भी आपको बहुत सारे अवार्ड मिलेंगे, अभी आपका आगे का क्या प्लान है? मेरे आगे का प्लान सबसे पहला ये है कि एक अच्छा इंसान बनना, एक गुड ह्यूमन बीइंग बनना. उसके आगे मेरा प्लान है कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना 18 साल की उम्र में, एंड एक नंबर वन नहीं द ओनली वन बनना, द बेस्ट पर्सन बनना. ओके, आई होप आपका ये सपना जरूर पूरा हो. थैंक यू सो मच फॉर अवेलेबल टाइम सर.